हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाऊंगी। शीर्षक है बहरा नौकर। धनीपुर गांव में मुंशी नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक नौकर था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल को कम सुनाई देता था, जिसकी वजह से उसे अपने मालिक से काफी डांट खानी पड़ती थी। एक दिन मुंशी ने अपने नौकर को आवाज लगाई, गोपो जरा मेरे लिए तंबाकू और हुक्का ले आ। गोपाल ने जैसे ही आवाज सुनी तुरंत एक कच्चा पपीता और जलती हुई मशाल ले आया। लो मालिक, लेकिन मालिक मुझे यह बताओ कि क्या आपके पेट में गड़बड़ है जिससे आपने कच्चा पपीता मंगवाया है। यह सब देख मुंशी को काफी गुस्सा आया। उसने कहा, अरे बहरे, मैंने तुझसे क्या मंगाया और तू क्या लेकर आया। मैंने पपीता और जलती हुई लकड़ी नहीं मंगवाई, मैंने तो हुक्का और तंबाकू मंगवाया है। यह सुन गोपू अपनी गलती को छुपाते हुए बोला, अभी रुको मालिक, मैं तुरंत लेकर आता हूँ। वह जाता है और तंबाकू और हुक्का लेकर मुंशी को सौंप देता है। मुंशी हुक्का लगाते हुए कहता है, अरे गोपू सुन, आज जमींदार के यहाँ माता पधारी है। मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ क्योंकि तेरी मालकिन की तबीयत खराब है। तो एक काम करना, मेरे तरफ से कच्चे चावल और कच्चे केले लेकर जाना, सीधा जमींदार के हाथों में रख देना। गोपाल सारी बातें सुनता है और फिर कहता है, ठीक है मालिक, मैं सुबह होते ही जमींदार के यहाँ कच्चे चावल और कच्चे केले लेकर चला जाऊंगा। अब रात बहुत हो गई है और सुबह जल्दी उठना भी है, तो आप सो जाइए मालिक। सुबह गोपाल बिना बताए कच्चे चावल और कच्चे केले लेकर जमींदार के महल जाता है। जमींदार के सिपाही गोपाल से पूछते हैं, यहाँ क्यों आए हो, क्या काम है। गोपाल कहता है, जमींदार की माँ मर गई है, मैं उनके खाने के लिए कच्चे चावल और कच्चे केले लेकर आया हूँ। यह सुनकर सिपाही कहते हैं, पागल हो गए हो क्या, जमींदार की माँ तो कल ही यहाँ आई है और तूने उन्हें मार भी दिया। दोनों सिपाही गोपाल को लेकर जमींदार के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज यह देखो, यह कह रहा है कि आपकी माँ मर गई है और आपके खाने के लिए कच्चे चावल और कच्चे केले लेकर आया है। यह सुन जमींदार कहता है, कौन हो तुम और तुम्हें ऐसा किसने कहा। महाराज मैं मुंशी जी का नौकर हूँ, उन्होंने ही मुझे कच्चे चावल और कच्चे केले आपको सीधा भेंट करने के लिए कहा है। जमींदार बोले, इस मुंशी को अभी यहाँ बुलाओ। सिपाही जाते हैं और मुंशी जी को पकड़कर जमींदार के सामने पेश करते हैं। महाराज क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। अरे मुंशी जी, मैं तो बहुत ही भला इंसान समझता था आपको, लेकिन आपने तो मेरी माँ को जीते जी मार दिया। लेकिन क्या हुआ महाराज, इसे जानते हो, यह तुम्हारा नौकर है। यह कह रहा है कि तुमने मेरी माँ की मौत होने पर मेरे लिए कच्चे चावल और कच्चे केले भेजे हैं। मुंशी तुरंत महाराज से माफी मांगते हुए कहता है, महाराज ऐसा नहीं है, मैंने तो इससे कहा था कि महाराज के यहाँ माता पधारी है तो सुबह उनकी भेंट के लिए कच्चे चावल और कच्चे केले लेते जाना। महाराज इस बात से काफी क्रोधित थे, इसलिए उन्होंने कहा, नहीं मुंशी जी, आपको इस नौकर को अपने काम से निकालना होगा, तभी इसे सबक मिलेगा। गोपाल माफी मांगते हुए कहता है, मालिक आप घर जाएं, मैं कहीं भी अपनी जगह ढूंढ लूंगा। गोपाल वहां से चला जाता है और चलता चलता एक जंगल में काफी दूर निकल जाता है। काफी समय तक कुछ खाने को न मिल पाने के कारण वह भूख से बिलखने लगता है। उसे सामने एक नदी दिखाई पड़ती है, वहां जाकर उस नदी का पानी पीता है और आराम करने के लिए एक जगह तलाश करता है। सामने ही एक टूटा फूटा मंदिर होता है, वह उसमें चला जाता है। जैसे ही वो सोने वाला होता है कुछ आवाजें उसे सुनाई पड़ती है। सरदार, सुना है जमींदार के यहाँ माता बैठाई गई है। माता की मूर्ति के नीचे जमींदार ने काफी सारा सोना और खजाना छुपा रखा है। अगर हम किसी तरह से उस खजाने को ढूंढ लेंगे तो अपने बाकी के जीवन में हमें काफी आराम मिलेगा। सरदार अपने सेवक की बात सुनकर काफी खुश होता है
और उस खजाने को ढूंढने के लिए काफी विचार करने लगता है। कुछ समय तक सोचने के बाद वह अपने सेवकों से कहता है, सेवकों, माता के स्थान के चारों ओर फैल जाओ और ध्यान रहे कोई भी हमें पहचान न पाए। सरदार के कहे अनुसार उसके सेवक चारों ओर फैल जाते हैं। गोपाल उन सबकी बातें सुन रहा था। उसे अब समझ में आ चुका था कि जमींदार का खजाना और उसकी जान खतरे में है। वह तुरंत भागकर जमींदार के महल में वापस जाता है और उसे सारी घटना बताता है। यह सब सुनकर जमींदार को गोपाल की बातों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसे ठीक से सुनाई नहीं देता है। जमींदार कहता है, फिर से तुम आ गए बकवास करने। महाराज, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, यह सच है। आपका छुपाया हुआ खजाना खतरे में है। अगर आप अपने सैनिकों से सतर्क होने के लिए नहीं कहोगे तो आपका छुपाया हुआ खजाना चोरी हो जाएगा। खजाना? कौन सा खजाना? वही खजाना जो आपने काली माता के मूर्ति के नीचे छुपाया है। जमींदार एक पल के लिए सोचता है, यह सब इसे कैसे पता चला। वह गोपाल से पूछता है, तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। महाराज, यहाँ से जाकर मैं एक जंगल में रुका था। मैंने वहाँ पर एक सरदार को बातें करते हुए सुना है कि वह सब आपके छुपाए खजाने पर हमला करने वाले हैं। जमींदार तुरंत अपने सैनिकों से कहता है, सैनिकों, अपने हाथों में बंदूक और मसाले ले लो और किसी भी बाहर वाले व्यक्ति को अंदर घुसने मत देना। सभी सैनिक अपने जमींदार की बात मानते हैं और गांव के चारों ओर फैल जाते हैं। उन्हें डाकुओं का एक झुंड मिलता है जो उस खजाने को लूटने आए थे। सभी सैनिक उसे घेर लेते हैं और वहीं मार देते हैं। कुछ समय बाद सभी सैनिक महाराज के पास आते हैं और उन्हें ये खबर बताते हैं। यह सुनकर महाराज काफी खुश होते हैं और कहते हैं, अब हमारा खजाना सुरक्षित है। गोपाल, तुम नहीं जानते हो कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। तुमने खजाने को नहीं, हमारे प्राणों की भी रक्षा की है। इसके बदले में हम आपको एक अशर्फी भेंट करते हैं। और बताओ, तुम्हें क्या चाहिए। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल यही चाहता हूँ मैं अपने मालिक के साथ रहूं। कृपया आप मेरे लिए इतना ही कर दीजिए। ठीक है गोपाल, तुम जैसा चाहो। तुम मुंशी जी के घर में रह सकते हो। गोपाल ने जमींदार का धन्यवाद किया और यही कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।